हाथरस में आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल युवा संवाद सम्मेलन में भाग लेने आए, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से संवाद करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यदि विधानसभा में विस्फोट हो जाता तो वह विश्व की बड़ी घटनाओं में से एक होती। यह कहना है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का। श्री बघेल ने कहा कि विस्फोट नहीं हुआ, यह बहुत अच्छा रहा। इस विस्फोट तक की मात्रा 500 ग्राम की मात्रा पूरी विधानसभा को उड़ाने के लिए काफी थी। विस्फोटक की मात्रा कम थी और विस्फोटक भी नहीं हुआ, यह गनीमत रही। मंत्री जी ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। इससे पहले युवा संवाद सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि किसी भी देश की व्यवस्था या सत्ता परिवर्तन में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। युवा देश का भविष्य है, हिंदुस्तान युवाओं का देश है। देश की कुल आबादी का 60% युवा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जादुई आंकड़ा पास कराने के पीछे भी युवाओं का हाथ बड़ा है। हाथरस से नीरज चक्रपाणी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। बिल्कुल ना जाने से यदि विस्फोट नहीं हुआ समस्या आम है, यदि विस्फोट नहीं हुआ, विस्फोट हो जाता तो ये विश्व की बड़ी घटनाओं में से, क्योंकि जो विस्फोटक मिला है वो हाई एक्सप्लोसिव है। हमें बताया गया कि 500 ग्राम की मात्रा पूरी विधानसभा को उड़ाने के लिए पर्याप्त है, 150 ग्राम वहाँ पर मिला है। इस संपूर्ण घटना की जांच NIA को दे दी है। NIA देश के